देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। शुक्रवार को भारत में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, हालांकि मरने वालों की संख्या 300 पार रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने मासिक कोविड 19 दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक गतिविधियों को सावधानी के साथ खोलने की अनुमति दी है। कहा है कि देश भर में कोविड 19 मामलों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ राज्य और केंद्र शासित सरकारें खेल, सामाजिक मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सिनेमा हॉल, स्कूल, जिम खोलने जैसी गतिविधियों को खोलने पर विचार कर सकती है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट में पर्याप्त गिरावट और देश में सक्रिय मामलों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोल सकते हैं। हालांकि अभी भी कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत होगी, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्थानीय स्थिति के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद विभिन्न गतिविधियों में छूट पर विचार किया जा सकता है, जैसे सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू खत्म किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन के संचालन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, रेस्तरां, बार, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को खोला जा सकता है। मंत्रालय ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की सभी गतिविधियों की अनुमति में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों की सफाई रखना और बंद जगहों पर वेंटिलेशन को जारी रखना जरूरी होगा। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।